हेलो एवरीवन, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं आर्टिकल 370, वन ईयर लेटर। आर्टिकल 370 को हटाए एक साल पूरा हो गया है। डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आर्टिकल 370 क्या है और इसे एक साल हटाने के बाद हमारे भारतीय जो लोग हैं इन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा पार्ट है इस पे कितना अंतर आया है, इन तमाम चीजों के बारे में हम आज के इस सेशन में जानने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 क्या था। यह आर्टिकल 370 हमारे भारतीय संविधान में भारतीय स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय ऐसी कुछ स्थितियां बनी जो जिस वजह से हमारे देश के दो भाग हुए, एक भाग पाकिस्तान और एक हमारा देश। तो उस समय राजा हरि सिंह ने कुछ प्रावधान के तहत एक विलय पत्र में हमारे साथ शामिल होने का जो उन्होंने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव के तहत हमने उनको एक अलग स्टेट का यानी अलग स्टेटस एक रखने का उनको एक दर्जा दिया था। तो उसी के तहत ये 370 हमें हमारे संविधान में इसको देखने को मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहली बात है कि जम्मू कश्मीर एक हमारे देश का ऐसा अभिन्न अंग है, लेकिन बाद के काल में जैसे कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग कहने से अच्छा है कि जो अलगाववादी प्रवृत्ति के जो लोग थे वो कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो अलग दिखाने का प्रयास कर रहे थे, और उसका एक ही कारण था कि आर्टिकल 370 का होना। फ्रेंड्स, इसको बहुत पहले हट जाना चाहिए था, लेकिन हमें देश के आजादी के बाद 70 सालों तक इसे इंतजार करना पड़ा, तो यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन देर सही, लेकिन इस आर्टिकल को हटाया गया, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण बात होती है। तो आइए हम समझते हैं कि आर्टिकल 370 क्या प्रावधान था, पहले की पोजीशन क्या थी उसकी और अभी की पोजीशन क्या है। तो पहले जो था स्पेशल स्टेट का दर्जा था, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, यानी 370 के तहत वो अपना एक अलग संविधान था, उसका एक अलग फ्लैग था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसका एक अपना प्राइम मिनिस्टर भी, बाद के काल में उसे मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन पहले तो उसे प्राइम मिनिस्टर करके ही बुलाया जाता था। लेकिन यह स्थिति किस वजह से थी, 370 के वजह से, तो उसे स्पेशल स्टेट का दर्जा अपने ही देश में दिया था। दूसरी बात है कि वहां ड्यूअल सिटीजनशिप, जैसे कि जो नागरिकता जो होती है हमारे देश में, जो नागरिकता है, तो नागरिकता जैसे कि एकल नागरिकता हमारे देश की संविधान में प्रावधान है, लेकिन जम्मू कश्मीर के वासियों को जैसे कि ड्यूअल नागरिक यानी सिटीजनशिप की अलाव थी, यानी ड्यूअल सिटीजनशिप उन्हें अलाव थी। तो यह भी एक हमारे संविधान के यानी जो फंडामेंटल जो चीजें है उसके खिलाफ जाती थी, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। जो ड्यूअल सिटीजनशिप की, उनका एक अपना अलग फ्लैग था, एक अलग झंडा उनका अपने कश्मीर का, उनका एक अलग झंडा था। उसके बाद जो था कि वो हर पॉलिसी जो स्टेट की जो पॉलिसी होते हैं खुद बनाते थे, और उसपे कुछ चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा उसपे ज्यादा कोई बस नहीं चलता था। तो यह एक बहुत इम्पोर्टेंट होती थी, वो अपने कानून के अकॉर्डिंग ही अपने सारी व्यवस्था चलाते थे, बस कुछ ही हमारे जो राष्ट्रपति के थ्रू कुछ कानून उस पर लागू होते थे, तो ये हमारे लिए एक दुखद बात थी। नेक्स्ट जो बात आती है कि आर्टिकल 370 के बाद जो आर्टिकल 360 है, 360 वहां अप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि जो आर्टिकल 360 जो बोलता है कि आर्थिक इमरजेंसी, इकोनॉमिकल इमरजेंसी की बात करता है, तो यहां वहां पे लागू नहीं होता था।
तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं थी। नेक्स्ट जो होता था कि नो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर माइनॉरिटी, यानी वहां के जो माइनॉरिटी जो लोग हैं, जो वहां माइनॉरिटी में आते हैं, उनको किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था। वहां पे कोई भी हमारे अदर स्टेट का पर्सन वहां की जमीन को नहीं खरीद सकता था, जमीन यानी जमीन प्रॉपर्टी वहां बिल्कुल भी बैन था। यह आर्टिकल 35A के चलते था, क्योंकि आर्टिकल 35A यह अधिकार उन्हें प्रदान करता था कि उनका एक स्पेशल स्टेट का तहत दर्जा दे देता था, क्योंकि आर्टिकल 35A जो था कि यह 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार हमारे संविधान में लाया गया। तो यह भी एक हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें वहां एक स्पेशल दर्जा दे रखा था। और हमें जो अदर स्टेट के जो लोग हैं, हमारे भारतीय अदर राज्यों के जो लोग हैं, वहां पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। नेक्स्ट बात जो होती थी, वहां RTI भी लागू नहीं होता था, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो अधिकार है, हमें भारतीय संविधान के द्वारा हमने जो कुछ इंफॉर्मेशन मांगने का जो अधिकार होता है, वो भी हमें यहाँ नहीं था। नेक्स्ट जो बात है, लेजिस्लेटर असेंबली का ड्यूरेशन जो है वहां का 6 साल का होता था। तो यह भी हमारे देश में क्या है कि असेंबली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रावधान किया गया है कि 5 साल के लिए यह हमारी सरकार, कोई भी सरकार रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह ड्यूरेशन 5 न होकर 6 साल का था। तो ये सारे बदलाव पहले, ये सारे चीजें 370 के तहत पहले जम्मू कश्मीर में लागू होते थे, लेकिन अब क्या है, आपकी पोजीशन में यह हो गया है कि अब 370 को जब से हटा दिया गया, यानी 1 साल हो गया, 5 अगस्त को, 5 अगस्त को जो हटाया गया था, तो ये सारे प्रावधान अपने आप खत्म हो गए थे। अब जो सामान्य स्टेट का जो दर्जा है, जैसे अदर स्टेट जो है अपने देश में, उस तरह उसे भी एक उसी के तहत रखा गया है। तो अब देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि यदि हमने उनको तो अपने अंडर में, अपने प्रोविजन के अंडर में तो ला लिया है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में काफी कुछ हमें वहां पे मशक्कत करनी पड़ी है, जैसे कि कर्फ्यू लगाना काफी दिनों तक, इंटरनेट की सुविधा बंद करना, और जो मानवीय जो जरूरतें की जो चीजें होती है वहां तक अवेलेबिलिटी न होना। तो इन तमाम चीजों के बारे में भी अभी वहां ह्यूमन राइट्स का भी एक बना होना, यानी काफी ताबात में हमें यह देखने को मिलता है कि अभी वहां का जनजीवन जो सामान्य नहीं हो पाया है। तो यह जो स्थिति है, तो यह किस लिए क्रिएट हुई है कि अभी तो हमें वहां नॉर्मलाइज चीजें को कर देना चाहिए, अभी भी वहां 2G सिस्टम ही काम कर रहा है। यहां से हम समझ सकते हैं कि हमें अगर एक दिन के लिए अगर 2G सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़े तो हमारे कितने सारे गतिविधियां रुक जाएगी। आज के दौर में हम हर चीज को इंटरनेट द्वारा, यानी उसे क्या करते हैं, इंटरनेट हर अगर ना हो तो कितने जरूरतें की चीजें जो है हमारी रुक जाएगी, हमारे इंपॉर्टेंस काम रुक जाएंगे। लेकिन वहां की जो व्यवस्था बनी हुई है, अभी 2G सिस्टम ही, अब कारण दिया गया है कि एक आतंकवाद कारण दिया गया, तो ये वाजिब कारण नहीं होता है, अभी उसको फ्री हैंड दे देना चाहिए, वहां भी 4G सुविधा और भी नागरिक सुविधाएं हैं, क्योंकि हमें उनका दिल जीतना बहुत जरूरी है। जब तक हम उनका दिल नहीं जीतेंगे तब तक हमें नॉर्मलाइज सिचुएशन नहीं कर पाएंगे। तो यह एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि अभी जो स्थितियां बनी हुई है वहां पे तो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाई है। तो आइए देखते हैं कि 1 साल के अंदर हमने वहां पे क्या अचीवमेंट किया है, यानी भारत सरकार ने वहां किस तरह की अचीवमेंट पाई है। तो पहली बात तो यह है कि सबसे पहले जो मेन मुद्दा था कि आतंकवाद का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट था, वहां पे मेजर प्रॉब्लम थी, और वह उसमें अभी 36% की कमी आई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहां का जो आतंकवादी जो संगठन थे इनपे अच्छे से लगाम लगा है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, जैसे कि आपराधिक मामले वहां पे पहले काफी तादाद में हुआ करते थे, लेकिन 74% आपराधिक मामलों में वहां पे कमी देखने को मिल रही है। तो यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज हो सकती है। नेक्स्ट बात जो है कि वहां पे
20,000 परिवारों को वहां बसाया गया। भारत सरकार ने वहां 20,000 परिवारों को वहां बसाया गया और प्रत्येक परिवार को उन्होंने 5.5 लाख रुपए दिया है, एक हेल्प के तौर पे, मदद के तौर पे। नेक्स्ट जो बात आती है कि 10,000 लोगों को वहां पे सरकारी नौकरी में लिया गया है, 10,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है और आने वाले समय में 25,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। तो ये भी एक अच्छी बात बोल सकते हैं कि वहां के नागरिकों के प्रति जो भारत के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जैसे वो अपने भारतीय हैं लेकिन जो उनके अंदर जो भावनाएं कुछ अलगाववादी लोगों ने बैठा रखी है उनके तरह कुछ उनके माइंड में है, तो उस धारणा को हमें बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्योंकि अभी वहां जब हम जॉब देंगे, बेसिकली समस्या क्रिएट कहां से होती है कि जब कोई व्यक्ति अगर निकम्मा या फिर उसे किसी प्रकार का रोजगार या चीजें ना हो उसके पास, तो वो अदर एक्टिविटी में वो लिप्त हो जाता है। तो हमें ये भारत सरकार को समझना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे रोजगार क्रिएट हो, वहां से ज्यादा डेवलपमेंट की प्रोसेस चालू हो, तो इन तमाम चीजें जब हो जाएगी स्टार्ट तब हमें एक अच्छा वहां एक नजरिया देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो बात आती है कि वहां पे भारत सरकार ने 164 जो कानून थे जो स्टेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे उसे रद्द कर दिया है और 138 कानूनों में वहां पे कुछ बदलाव करके उसको एज इट इज लागू किया गया है, यानी नियर अबाउट 170 कानूनों को वहां पे लागू कर दिया गया है। तो यह एक अच्छी बात है और भारत सरकार ने यह भी आश्वासन दे रखा है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर को आने वाले समय में उसका एक स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा, क्योंकि अभी भी दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख यह क्या है जो टेरिटरी में बदल किए गए हैं। यह पहली बार है हमारे संविधान यानी देश के इतिहास में यह पहली घटना ऐसी हुई है कि किसी स्टेट को टेरिटरी में बदला गया है, तो यह पहली बार घटना घटित हुई है। तो उसके लिए भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम उस स्टेट का दर्जा फिर से बहाल करेंगे। अब अदर एक्टिविटी जैसे कश्मीर को लेके जो होती है, जो पाकिस्तान बार बार कश्मीर को लेके जो एक ख्वाब देखते रहता है, एक दिन में जो स्वप्न देखने को बोलते हैं, वो पाकिस्तान अभी कर रहा है। अभी फिलहाल हाल ही में पाकिस्तान ने जो अपने नया मैप तैयार किया है, एक नया मैप बनाया है और उसमें उसने जम्मू कश्मीर लद्दाख और सियाचिन से लेके तो गुजरात का जो जूनागढ़ है वहां तक का पार्ट उसने अपने मैप में दिखा रखा है। तो यह जो दावा कर रहा है कि हम इसे यूनो में पेश करेंगे, इसकी हम पैमाइश यूनो में ले जाके अपना दावा करेंगे, तो यह एक स्वप्न की तरह एक ख्वाब देख रहा है और इसलिए देख रहा है कि इसके पीछे जो हाथ है, अभी जो डिस्प्यूट हमारा चल रहा है चीन के साथ, तो उसे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इसके जरिए हम अपना कुछ हासिल कर लेंगे। तो यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्वप्न बोल सकते हैं, वो स्वप्न ही रह जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा जो पड़ोसी देश है जो अभी तक हमारे फेवर में था नेपाल, उसने भी कुछ अपने मैप में परिवर्तन किए थे, आपको पता होना चाहिए, जैसे काला पानी, लिपू लेक और लिबिया धुरा, ये तीन जो जगह थे जो हमारे पार्ट में आते हैं, इनको भी उन्होंने अपने मैप में दिखाने की कोशिश की है। तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए और जम्मू कश्मीर का जो अभी का जो पार्ट है और अभी चीन के साथ जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो चीन के साथ जो अभी डिस्प्यूट बनाई हुआ है, अभी मैटर अभी पूरे तरह से सॉल्व नहीं हुआ, तो आने वाले समय में सॉल्व होगा मैटर। और जो चीन का रवैया है, चीन भी जो पाकिस्तान की बार बार जैसे कि तारीफ करता है और उसके पक्ष में हर समय वो पार्टिसिपेट करता है, तो यह भी आने वाले समय में उसे अच्छी तरह से पता चलेगा कि भारत की पावर क्या है। अभी हमने उसे अपने बायकॉट कर दिया है उसके चीनी सामानों को, तो उसे भी एक तगड़ा झटका उसे लगा है। तो डियर फ्रेंड्स, यह जो आर्टिकल 370 था, तो इसे हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह देखना है कि सबसे बड़ी बात है कि पहले प्रोविजन क्या क्या थे, इसके तहत क्या क्या पूछ सकता है, पीटी में भी पूछ सकता है और हो सके तो मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पीटी के पॉइंट ऑफ से उसमें पूछ सकते हैं कि क्या प्रावधान पहले हुआ करते थे आर्टिकल 370
70 में, और 35 ये क्या है यह भी पूछ सकते हैं। तो इसे ध्यान रखना है कि 35 ये जो है एक स्पेशल प्रावधान करता था जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें तहत वहां की प्रॉपर्टी यानी वहीं के लोग परचेस कर सकते थे। और नेक्स्ट जो बात होती है, इसे 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार लाया गया था, और यह संविधान 1956 में जब कश्मीर का जो संविधान बनाया गया था उस समय उसमें उसे लागू किया। तो ये तमाम तरह की चीजें थी जो आर्टिकल 370 पे, जैसे कि इतिहास तो इसका बड़ा लंबा है और इसे हम किसी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी एक साल पूरा हो गया, तो इस वजह से हमें यह 370 पे फोकस करना जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।